नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सरप्लस के बारे में तथा उसके टाइप्स के बारे में। तो चलते हैं। सरप्लस, ए मार्केट सरप्लस अकर्स व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड। इन दिस सिचुएशन सम प्रोड्यूसर्स वॉन्ट बी एबल टू सेल ऑल देयर गुड्स, दिस विल रिड्यूस देम टू लोअर देयर प्राइस टू मेक देयर प्रोडक्ट मोर अपीलिंग। मतलब बाजार अधिशेष तब होता है जब सप्लाई एक्सेस होती है, अर्थात जो सप्लाई की क्वांटिटी है और डिमांड की क्वांटिटी है इससे अधिक होती है। इस स्थिति में कुछ प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपने पूरे प्रोडक्ट को, माल को जो है, बेच नहीं पाएंगे। इससे उन्हें अपने उत्पादक को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, कीमत कम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर सरप्लस, कृषि अधिशेष। वेयरहाउसेस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड ग्रोसरी स्टोर्स आर ओवरफ्लोइंग विद सम फूड स्टापल्स सच एज मिल्क, एग्स एंड फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड डिक्रीज्ड एक्सपोर्ट। जैसे गोदाम, वितरण केंद्र और किराने की दुकान, दूध, अंडा और जमे हुए फल और सब्जियों जैसे कुछ खाद्य पदार्थों से भरी हुई, जो उत्पादन में वृद्धि और निर्यात में कमी का परिणाम है। मतलब जो सरप्लस होता है, सरप्लस मतलब ये है कि जो किसान टोटल प्रोडक्शन करता है उस टोटल प्रोडक्शन में उसकी कुछ नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग वो नीड्स के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसको बचा करके बाकी का जो सेल कर देती है, ठीक है, जिसको हम स्टोरेज करके रखते हैं उसको हम सरप्लस बोलते हैं। तो चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, जो सरप्लस के प्रकार हैं, फर्स्ट है मार्केटेबल सरप्लस एंड सेकेंड है मार्केटेड सरप्लस। फर्स्ट पॉइंट है मार्केटेबल सरप्लस। द मार्केटेबल सरप्लस इज दैट क्वान्टिटी ऑफ द प्रोड्यूस विच कैन बी मेड अवेलेबल टू द नॉन फार्म पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इट इज थियोरेटिकल कंसेप्ट ऑफ सरप्लस। द मार्केटेबल सरप्लस इज द रेसिडुअल लेफ्ट विद द प्रोड्यूसर्स फार्मर्स आफ्टर मीटिंग हिज रिक्वायरमेंट फॉर फैमिली कंजप्शन, फॉर फार्म नीड्स, फॉर सीड्स एंड फीड फॉर कैटल, पेमेंट टू लेबर इन काइंड, पेमेंट ऑफ आर्टिशियंस, ब्लैक स्मिथ, पॉटर एंड मैकेनिक, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड एज रेंट एंड सोशल एंड रिलीजियस पेमेंट इन काइंड, दिस मे बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। मतलब मार्केटेबल सरप्लस वह होता है जिसके अंतर्गत जो किसान टोटल प्रोडक्शन करता है उस टोटल प्रोडक्शन में जो उसकी आवश्यकता के अनुसार जितनी चीज़ें चाहिए उसको, जो उसकी नीड्स है उसके लिए वो बचा लेता है। उसकी जो नीड्स हैं जैसे कि वो कितना यूज कर सकता है, फार्म में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और कितनी सीड की आवश्यकता पड़ सकती है, पशुओं के लिए कितना चारे की आवश्यकता पड़ सकती है, लेबर के लिए कितना पैसा देना पड़ सकता है, मैकेनिक का कितना पैसा देना पड़ सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें जो उसमें खर्च होती हैं, इन्वेस्ट होती हैं, उसको निकाल के, उसको जो नीड्स हैं उसको निकाल करके बाकी का जो वो बेच देती है उसको हम मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। मतलब विपणन योग्य अधिशेष। विपणन योग्य अधिशेष मतलब बाज़ार के जो योग्य हो हमारे लिए, जो टोटल प्रोडक्शन होता है टोटल में जो हमारी नीड्स है उसको बचा करके बाकी का बेच देना ही मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। इसमें MS इक्वल टू P-C, जहाँ पर MS मार्केटेबल सरप्लस, P टोटल प्रोडक्शन एंड C टोटल रिक्वायरमेंट्स। टोटल रिक्वायरमेंट्स में फैमिली कंजप्शन हो सकता है, फार्म नीड्स हो सकता है, पेमेंट ऑफ लेबर हो सकता है, आर्टिसंस, लैंडलॉर्ड एंड पेमेंट फॉर सोशल एंड रिलीजियस वर्क। तो चलते हैं मार्केटेड सरप्लस पे। मार्केटेड सरप्लस वह होता है, जैसे मार्केटेड सरप्लस इज दैट क्वान्टिटी ऑफ द प्रोड्यूस विच द प्रोड्यूसर फार्मर एक्चुअली सेल इन द मार्केट। रेस्पेक्टिव
of the requirements for family consumption, farm need and other payment, the marketed surplus may be more or less or equal to marketable surplus. Marketed surplus वह होता है जिसके अंतर्गत मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं वो उसको नहीं देखता है, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट को पूरा मार्केट में बेच देता है और उसके बाद जब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसको बाद में धीरे धीरे परचेस करता रहता है, उसको हम बोलते हैं मार्केट सरप्लस. विपणन अधिशेष, मार्केटेड सरप्लस वह होता है जिसके अंतर्गत मनुष्य जितना प्रोडक्शन करता है टोटल सेल कर देता है, टोटल सेल कर देता है और उसके बाद जो उसकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वो वस्तु को ख़रीदता रहता है और अपना वर्क चलाता रहता है, जिसको हम बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस. थैंक यू.